की खामी के चलते पूरे पाकिस्तान में शनिवार देर रात अचानक एक साथ बिजली गुल हो गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी समेत कई अहम शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। कुछ ही देर में ट्विटर पर हैशटैग ब्लैकआउट ट्रेंड करने लगा। इस बारे में शुरुआत में तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में ऊर्जा मंत्रालय ने ट्विटर पर सूचना दी। मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ये तकनीकी खामी 11:41 पर हुई। मंत्रालय में के लोगों से संयम बरतने को कहा। इससे पहले भी जनवरी 2015 में ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान तकनीकी खामी के चलते कई घंटों तक बिना बिजली के रहा। ये पूरे पाकिस्तान के लिए अटकी गई हुई है। बस हम तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक पर रहम करे हमारे मुल्क पर। हमारे मुल्क के लोग पहले ही इतना डरे हुए हैं। घर से निकला, मैंने कहा हमारे घर की लाइट नहीं है। बाहर निकला तो तकरीबन सब जगह पे अंधेरा अंधेरा हुआ हुआ है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो पूरे कराची में लाइट नहीं है, कारोबार बंद है, सब ठप हुआ है। महाराष्ट्र के भंडारा में नवजात की मौत मामले में सीएम उद्धव ठाकरे आज परिजनों से मिलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोपहर 12 बजे भंडारा के अस्पताल का दौरा कर मारे गए बच्चों के परिवार से मुलाकात करेंगे। अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और कांगड़ा के करेरी में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की 3 बैठक हुई। बैठक के बाद जेडीयू नेता जयकुमार सिंह ने एलजेपी पर चुनाव में भ्रम फैलाने की कोशिश करने और बीजेपी मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। रणनीति और कंफ्यूजन पैदा की, उसके वजह से भाजपा का वोट भ्रमित हुआ, जिसके वजह से हम लोग का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के चिनैनी नाशरी टनल के पास मिनी बस पलटने से कटरा जा रहे 10 सैलानी घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की। इंडोनेशिया में विमान हादसे की खबर है। राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान समंदर में क्रैश हो गया। विमान में कुल 62 लोग सवार थे। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री के मुताबिक 62 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ विमान समुद्र में क्रैश हो गया। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने विमान के संदिग्ध मलबे का पता लगा लिया है। इससे पहले आए शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि विमान का जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 4 मिनट के भीतर ही संपर्क टूट गया था। यूपी के भदोही में खस्ता हाल सड़क से परेशान एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बताया कि उनका रोजाना इसी सड़क से आना जाना है, जिसकी हालत को सुधारने के लिए उन्होंने कई बार जिला प्रशासन के अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि उनकी एक बार भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो वो सड़क पर जुट गए और वहाँ खूब हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे वहाँ जैम लग गया। वो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए नारे लगाते रहे। हंगामा बढ़ा तो जिला अधिकारी वहां पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया। यूपी के भदोही से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक आदमी ने मामूली विवाद में दूसरे आदमी को गोली मार दी। इस हमले में जिसे गोली लगी वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, जो कि सामने आए वीडियो में साफ देखा गया। आरोपी बंदूक लेकर मोटरसाइकिल से घटना की जगह पर पहुंचा, जहां पहले से कुछ लोगों के बीच मारपीट जारी थी। इसी बीच उसने उस आदमी को गोली मार दी और वहां से भागने लगा, जिसके पीछे कई लोग दौड़ते नजर आए। कुछ दूर जाकर भी दोनों पक्षों के लोगों के बीच खींचतान जारी रही। फिर लोग तितर बितर हो गए। कुछ देर बाद आरोपी फिर हाथों में बंदूक लेकर पीड़ित के पीछे भागा और 2 लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर वहां से भाग निकला। और वो इनकी जमीन से मिट्टी निकालते थे, इसको इन्होंने मना किया, मना करने पर ही झगड़ा हुआ। गोली लगने से जख्मी हुए शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को बंदूक और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तालाब पर अवैध रूप से बनाए गए कब्जे को हटाने गई राजस्व विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह हमला उस परिवार के सदस्यों ने किया जिन्होंने तालाब पर कब्जा कर रखा था, क्योंकि वो राजस्व विभाग की कार्रवाई से बौखला गए और उन्होंने खुदाई करने वाली मशीन पर ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। पुलिस की मौजूदगी का भी इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस परिवार के हंगामे के बीच जब खुदाई करने वाली वो मशीन कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने लगी तो एक महिला उसके आगे आकर खड़ी हो गई, जबकि एक लड़का उस पर चढ़ गया और उसमें बैठे कर्मचारी से उसने मारपीट की। इन लोगों के काफी देर तक हंगामा करने के बावजूद राजस्व विभाग की टीम से उसे मुंह की खानी पड़ी। टीम ने अपने काम को पूरा करके ही दम लिया। बाद में पुलिस ने बवाल करने वाले तीनों लोगों को हिरासत में भी ले लिया। एमपी के शाजापुर